हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए आंगनवाड़ी सीधी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। इसमें आपको जो पोस्ट मिल रही है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। यदि आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से छात्र इसका वेट कर रहे थे कि कब ये भर्ती प्रक्रिया निकलेगी। तो फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन दिखाई जाती है और ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। तो अभी आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देख सकते हो सरकारी नौकरी यहाँ निकल रही है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर के 798 प्लस वैकेंसी, ऑनलाइन करे आवेदन 24 दिसंबर तक। तो ये आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिल रही है, कल की डेट में ये जो है न्यूज प्रकाशित हुई है। तो इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे वो हम आपको डिटेल्स वाइज दिखा देते हैं। तो यहाँ ये आपको डिटेल्स बताई गई है आंगनवाड़ी केंद्रों पे वर्कर्स और हेल्पर की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन, और इसमें 26 नवंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। यहाँ पब्लिश डेट आप देख सकते हो। इसके साथ बात करेंगे यहाँ सभी कैंडिडेट्स, अब इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो यहाँ देख सकते हो, तो इसमें यह बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पे हेल्पर, आंगनवाड़ी केंद्रों पे वर्कर हेल्पर पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन विभिन्न जिलों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्कर्स हेल्पर पदों के लिए योग्यता से आवेदन आमंत्रित किए हैं, योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार कर्नाटक आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल aanganwadirecruitment.karnataka.nic.in पे जाके जो है ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे, इसमें 24 दिसंबर 2020 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। विभाग द्वारा रामानगर, मैसूर, बेंगलुरु, अर्बन, कोलार, उत्तर कन्नड़ में कुल 798 से अधिक रिक्त घोषित की गई है, रिक्तियां घोषित की गई है। तो ये नोटिफिकेशन जो है कर्नाटक राज्य से निकल रहा है, यदि आप कर्नाटक राज्य से हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस भर्ती प्रक्रिया की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।